Hello and welcome to my kitchen, yani ki the K kitchen. और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस पुडिंग और ये क्रिसमस पुडिंग बनेगी एक प्रेशर कुकर के अंदर. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, कैंडीड फ्रूट्स हैं, उनको हम सोक करेंगे या तो रम में या फिर ब्रांडी में. आई हैव चॉप्ड वॉलनट्स, चॉप्ड आलमंड्स, मेरे पास है ये कैंडीड ऑरेंज पील, आई हैव कट दीज ड्राइड शुगर्ड चेरीज, आई हैव दीज ब्यूटिफुल क्रैनबेरीज, थोड़े से रेजिन्स, मेरे पास हैं ये डेट्स, आप चाहें तो थोड़े डेट्स भी डाल सकते हैं, दे आर ऑलवेज गुड, प्लस कैंडीड जिंजर, ये काफ़ी शार्प होती है. अब मैं सोक करूँगा थोड़ा सा रम में, इसमें मैं डालूंगा हल्का सा हनी, जस्ट अ लिटिल, सम ऑरेंज जूस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नाउ सोकिंग के लिए बेस्ट है अगर आप इसको कम से कम 24 घंटे दें. अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप एटलीस्ट इसको 2 से 2.5 घंटे सोक करके रखिए. होगा क्या, जितना भी अल्कोहल है ये सारे कैंडीड फ्रूट्स उसको अब्सॉर्ब करके स्वेल अप हो जाएंगे. तो ये रख देते हैं हम अलग सोक करके. अब हम इस फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाएंगे. बेस्ट इज जो इसकी साइड्स हैं, हार्ड साइड्स, उसको हम हटा लेते हैं. इसे हम डालेंगे एक ब्लेंडर में और इसे क्रम कर लेंगे. दिस इज डन, वी लैक द ब्रेड क्रम्स. अब इन ब्रेड क्रम्स के ऊपर हम डालेंगे मैदा, ये है कोको पाउडर, इसमें जाएगा सिनेमन पाउडर, क्लोव्स का पाउडर यानी कि लौंग का पाउडर, नटमेग यानी कि जायफल, जस्ट अ जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट, इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नाउ हमें चाहिए एक बड़ा बोल. सबसे पहले हम बटर को लेंगे, उसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर, मेरे पास है ऑरेंज जेस्ट यानी कि ऑरेंज का ऊपर का जो राइंड है वो, और इसे हम एक साथ क्रीम कर देंगे. बटर को तब तक क्रीम करना है जब तक कि वो सॉफ्ट और फ्लफी ना हो जाए, और उसके बाद उसमें हम धीरे धीरे डालेंगे 1 whole egg. अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड करेंगे और इसी के अंदर हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स. जस्ट मिक्स इट नाइसली, लुक एट दैट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हमारे जो मोल्ड्स हैं उन्हें हमें लाइन करना है बटर के साथ. बटर से इसलिए हम लाइन करते हैं ताकि पुडिंग बनने के बाद ये आराम से डीमोल्ड हो जाए. सो जस्ट अ लिटिल बटर ऑन द इनसाइड्स. नाउ टेक द मिक्सचर एंड पुट इट इनसाइड द कंटेनर्स, फिल देम अप, पूरा ऊपर तक नहीं, थोड़ा सा कम, बिकॉज दे विल राइज अ लिटिल. डन. हम इस पे सबसे पहले रखेंगे एक बटर पेपर, उसके ऊपर रखेंगे एक सिल्वर फॉइल और इसे एक थ्रेड के साथ हम बांध देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना. नाउ प्रेशर कुकर के अंदर 1/4 लेवल तक पानी भरना है, उसे उबलने देना है. उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये एक रिंग और ये एक प्लेट. अब इस प्लेट के ऊपर मैं रखूँगा ये दोनों बोल्स, इसे अब हम कवर करेंगे और इसे लो फ्लेम पे करीबन 40 मिनट तक पकाएंगे. इनिशियली पहली सीटी आप तेज़ कर सकते हैं ताकि प्रेशर बिल्डअप हो, लाइक इन एनी प्रेशर कुकर. उसके बाद की 7 सीटियाँ अ क्रिटिकल, आफ्टर 7th लेट इट बी. ऑलराइट,
ये तैयार है, ठंडा हो चुका है 10 मिनट तक. नाउ दे आर वेरी हॉट. नाउ वी विल जस्ट पुल द स्ट्रिंग. लुक्स ब्यूटिफुल एंड मॉइस्ट. आई थिंक इट लुक्स गॉर्जियस. जस्ट रन अ नाइफ अलोंग दी साइड्स टू लूजन इट अप. बेस्ट पार्ट है क्रिसमस पुडिंग की कि आप उसको गर्म भी खा सकते हैं, वार्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं. इट्स एंटायरली अप टू यू. देयर स्मॉल लिटिल क्रिसमस पुडिंग. नाउ वी नीड टू गार्निश दिस. हमारे पास है आइसिंग शुगर, उससे ढक देंगे जस्ट लाइक स्नोफॉल. इसमें हम गार्निश के लिए यू कैन ऐड सम चेरीज. क्रिसमस पुडिंग इन अ प्रेशर कुकर. डन.